वो फ्री हैं जहाँ मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते। आज दिल्ली देहात के दिल्ली के बहुत बड़े नेता सोमेश शौकीन जी अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। हमारी सरकार आने के पहले दिल्ली देहात इलाके को पूरी तरह से नेगलेक्ट किया जाता था, इग्नोर किया जाता था, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को लगता नहीं था कि वो दिल्ली का हिस्सा हैं। मेरे को अभी भी एक वाक्या याद है, जब 2013 के चुनाव के पहले दिल्ली में ओले पड़े थे एक बारी 2013 में, 12 में या 13 में, और फसलें खराब हो गई थी। तो किसी पत्रकार ने शीला दीक्षित जी जो उस वक्त की मुख्यमंत्री थी उनसे पूछा कि मैडम फसलें खराब हो गई, इस पे आपको क्या कहना है। तो शीला दीक्षित जी ने कहा, अच्छा दिल्ली में खेती भी होती है। तो उस वक्त की मुख्यमंत्री जो 15 साल से मुख्यमंत्री थी, उन्हें ये भी नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर किसान भी रहते हैं और दिल्ली के अंदर खेती भी होती है। हमारी जब सरकार बनी 2015 में, तो उसके तुरंत बाद मेरे को याद है ओले पड़े, खेती खराब हुई, और मैं खुद गया था और 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने लोग किसानों को मुआवजा दिया था। उसके बाद से दिल्ली देहात का जो विकास का सिलसिला चालू हुआ, हमने इतने सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, सीवर की कनेक्टिविटी दी है, सड़कें बनाई है। सबसे बड़ा डिमांड जब मैं जाता था उनकी होती थी, वे स्कूल नहीं है, स्कूल बहुत शानदार बनाए हैं वहाँ पे। हमने बहुत सारे प्लेग्राउंड बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हैं, जो सबसे बड़ी डिमांड दिल्ली देहात के लोगों को होती थी। मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं। तो जो विकास दिल्ली, मेन दिल्ली देख रही थी, वही विकास हम दिल्ली देहात के लोगों तक लेके गए हैं। और उन विकास के कार्यों से प्रभावित होकर आज सोमेश शौकीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इनके जुड़ने से दिल्ली देहात में जो हमारे काम है उनको बल मिलेगा, उनको गति मिलेगी, और ओवरऑल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.